हाँ एंटरप्रेनर्स, सो आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया की। शार्क टैंक इंडिया में एक काफी अच्छा ब्रांड आया था जिसका नाम है बमा। ये एक अंडर गारमेंट का ब्रांड है, यानी कि चड्डी बड्डी का ब्रांड है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, और इसका यूएसपी क्या है, और मार्केट में जो अदर ब्रांड्स हैं चड्डी में, वो उसके सामने ये टक्कर उससे ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा। मैं शार्क टैंक इंडिया का वीडियो बनाता क्यों हूं, इसका रीजन क्या है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वीडियो में अपडेट नहीं है, इसके अंदर मॉडल्स होते हैं, एक अलग अलग आइडियाज के बारे में मैं कोशिश करता हूं कि बताऊं आपको, जिससे आप एक आइडिया लेके और एक बिजनेस मॉडल समझ के आप भी सिमिलर बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हैं। जैसे अदर वीडियोज में मैं बिजनेस मॉडल बताता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि शार्क टैंक इंडिया का एक बिजनेस मॉडल है, और इस पे फंडिंग होगा या फिर नहीं होगा, कैसा है, इस पे मैं बात करता हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए इसके बारे में। तो बमर एक D2C ब्रांड है चड्डी की, जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी, और इसके फाउंडर का जो मतलब इन्वेस्टमेंट का डिमांड है वो है 76 लाख रुपीस का, और वो भी 4% इक्विटी पे। और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में अगर बात करें तो वो है 18.76 करोड़ रुपीस, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो शार्क टैंक इंडिया में बमर के फाउंडर आए, ठीक है, और उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप का वो पिच करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो क्या इस स्टार्टअप पे फंडिंग हुई या फिर नहीं हुई, और किया तो किसने किया और कितना किया, इस सभी चीजों पर बात करेंगे। तो शार्क टैंक इंडिया में इस बमा के फाउंडर ने अपना कॉन्सेप्ट पिच करना स्टार्ट किया। इस कंपनी के फाउंडर ने यह कहा कि हमारा D2C ब्रांड है। D2C लाइक जानते हैं आप, मार्केट में नाउडेज D2C के बहुत सारे स्टार्टअप आ चुके हैं, लाइक ममा अर्थ है, बहुत सारे हैं और ब्रांड। एक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो शार्क का ही एग्जांपल है, सभी शार्क में से अमन गुप्ता जिनका बहुत बड़ा ब्रांड है बोट का, वो D2C ही है। तो इस स्टार्टअप के फाउंडर का ये कहना है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं अंडरवेयर्स के, चड्डी के, ठीक है, लेकिन वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, लाइक जो सदियों से चलती आ रही है एक दो ही कलर चड्डी की, जो ब्लैक एंड व्हाइट, उनका ये कहना है, ठीक है। तो वो चीज हम नहीं कर रहे हैं, हमारा USP अलग है, हमारा जो मॉडल है वो अलग है। लाइक हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे वो कपड़ों पे ध्यान देते हैं, लाइक शर्ट अच्छा होना चाहिए, पैंट अच्छा होना चाहिए, टी शर्ट अच्छा होना चाहिए, फैशनेबल होना चाहिए, तो फिर हम अंदर के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, यानी कि चड्डी के बारे में। तो वो चड्डी को भी फैशनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, लाइक उनके पास जो चड्डी है उसके कलर्स काफी अच्छे अच्छे हैं अलग अलग वेरियंट्स में, लाइक दो ही कलर नहीं है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत सारे कलर्स हैं, येलो है, रेड है, और वो भी फैशनेबल है, उस पर बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी यानी कि डिजाइंस किए हुए हैं, जिसे पहन के आप लगेगा कि आपने कुछ एक फैशन का क्लोथ ही पहन रखा है, उसे सिर्फ चड्डी नहीं समझेंगे आप, ठीक है। तो इनके इस स्टार्टअप के फाउंडर का ये कहना है कि हम दूसरे ब्रांड से अलग इसलिए हैं बिकॉज हम सिर्फ टीन एजर्स को टारगेट करते हैं, टीन एजर्स को, यानी कि 18 से 24 साल के जो टीन एजर्स हैं हम उससे टारगेट करते हैं, बाकी सभी को नहीं। जैसे अदर ब्रांड्स हैं वो टारगेट करती है लगभग सभी को, लेकिन हमारी जो चड्डियां हैं यानी कि हमारा जो ब्रांड है बमर, ये सिर्फ टारगेट करती है जो मार्केट में 18 से 24 साल के टीन एजर्स को, उन्हें कन्विंस करती है इस ब्रांड को खरीदने के लिए। तो लाइक मैं बात करूं नवीनता थापर की, तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छा ब्रांड है आपका, मुझे अच्छा लगा, आप मुझे टेस्ट कराइए, तो वो सैंपल में लेके आए, उन्होंने दिखाया, तो सभी को उसका कपड़ा जो है अच्छा लगा, सभी शार्क्स ने इस ब्रांड को देखा, फील किया, तो सभी ने कहा कपड़ा तो अच्छा है, बाकी अदर USPs क्या है इसके। तो इस ब्रांड के फाउंडर का कहना है कि ये जो कपड़ा है ये बहुत सॉफ्ट है और सिर्फ 60 ग्राम का कपड़ा है। लाइक अमन गुप्ता ने ये पूछा कि भाई बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, तो उससे अलग और क्या काम कर रहा है। तो इस ब्रांड के फाउंडर का ये कहना है कि जो हम प्राइसिंग है वो बहुत लो दे रहे हैं अदर ब्रांड से, लाइक बड़े ब्रांड्स जो हैं वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं मार्केट में 700-800, लेकिन हम 400 रुपए में कर रहे हैं।
तो अमन गुप्ता ने कहा कि ये सिर्फ प्राइस को लेके गेम मत खेलो, ब्रांड के बारे में बताओ कि ब्रांड को कैसे आप कॉम्पिट कर रहे हो तो जो जाइंट ब्रांड्स हैं उसके साथ में। तो लाइक इस ब्रांड के फाउंडर का ये कहना है कि हमारा एक यूएसपी है जो हम इसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस ब्रांड को, इस चड्डी को, वो कपड़ा होता है मोडाल फैब्रिक। मोडाल फैब्रिक एक बीच पे एक पेड़ होता है उसके पत्तों से बना हुआ है, इस ब्रांड के फाउंडर का ये कहना है। ठीक है, तो फिर भी अमन गुप्ता ने कहा कि और क्या है इसका यूएसपी। तो यूएसपी क्या है कि ये, जैसा मैंने बताया कि मार्केट में यंग एज के लोगों को ये लोग टारगेट, इसके ब्रांड के फाउंडर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट में सस्टेन भी तभी कर पाएंगे जब कुछ डिफरेंट करेंगे, बिकॉज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जाइंट प्लेयर्स हैं, जिसके सामने ये छोटा जो यंग एज का बच्चा है कुछ नहीं कर सकता है अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ में। तो अलग करेगा तभी टिकेगा। तो सभी को पसंद आया। तो जो इस लड़के का टारगेट इन्वेस्टर था, जिससे इसे इन्वेस्टमेंट चाहिए था, वो है अमन गुप्ता। बिकॉज अमन गुप्ता D2C में काफी अच्छे नाम कर रखे हैं और बोर्ड को बहुत बढ़िया चलाए हैं वो। ठीक है, तो इस स्टार्टअप के फाउंडर का कहना है कि अमन गुप्ता, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं मेरे स्टार्टअप में तो काफी अच्छा ग्रो होगा, आपको पूरा मार्केटिंग पता है और आप इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे इस चड्डी बड्डी जर्नी में जुड़े। तो फिर अमन गुप्ता ने कहा कि क्या सेल्स क्या है इसका, अभी तक आपने कितना सेल्स किया इसका। तो 15 लाख का इस ब्रांड के फाउंडर ने सेल किया है, वो भी D2C से, अदर किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सिर्फ D2C से, बिकॉज ये चाहते हैं D2C को ही अच्छा बनाना, उसी को ब्रांड बनाना। तो अमन गुप्ता जैसे D2C में बहुत अच्छा काम कर रखे हैं तो वो समझ रहे थे इस चीज को, तो उनका कहना है कि मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा। तो ऊपर से फिर नमिता थापर भी रेडी हो गई, लेकिन अनुपम मित्तल रेडी नहीं हुए और विनीता सिंह रेडी नहीं हुई और जो अश्विनी ग्रोवर है वो भी रेडी नहीं हुए। अश्विनी ग्रोवर ने कहा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट से आउट हूं। तो अमन गुप्ता ने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और तो वो भी कितने का, तो अमन गुप्ता ने ऑफर किया। अमन गुप्ता ने ये कहा कि मैं और नमिता थापर हम दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करेंगे 76 लाख, वो भी, लेकिन फिर भी 15% कम हमें इक्विटी चाहिए। तो इस ब्रांड के फाउंडर ने कहा कि 15% काफी ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको एक काउंटर ऑफर करता हूँ 6% इक्विटी पे। तो 6% काफी कम लगा अमन गुप्ता को, तो अमन गुप्ता ने कहा 6 नहीं, कम से कम 10% इक्विटी दो 76 लाख पे। ठीक है, तो फिर वो फाउंडर सोचने लगा, फिर बात और डिस्कस किया फोन करके, फिर उसने ऑफर दिया 6.5 का, तो उस पर भी एक डील नहीं हुआ। तो एट एंड 7.5% इक्विटी पे डील डन हो गया और उसे इन्वेस्टमेंट 76 लाख रुपीज का मिल गया। तो आपने क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट आइडिया से? हर एक लाइन में बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं, लेकिन आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं दूसरों से? तो इनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, बिकॉज ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी खुद का, क्योंकि पहले इन्होंने खुद का पैसा डाला था इस स्टार्टअप में, इस ब्रांड में, और जहां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, वहां पे खुद का मशीन देते हैं, फैब्रिक देते हैं, यूएसपी देते हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चर करके इस ब्रांड को फिर उसे देते हैं। तो इस टाइप से इनका जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, क्लोथ्स का, वो इस टाइप से है। अनुपम मित्तल ने इस ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं किया बिकॉज जो मार्केट है कपड़ों का और चड्डी का वो बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और सस्टेन करने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन सस्टेन कब करेंगे? जब आप मार्केट में कुछ अलग कर रहे हो। तो इस लड़के ने अपने ब्रांड को, बॉमा के ब्रांड को, अंडरवेयर को कुछ अलग कर रखा है, तो दैट्स वाई अमन गुप्ता ने इन्वेस्टमेंट करने वाला सोचा। और D2C में काफी ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है अमन गुप्ता को, तो उन्होंने कहा कि हम वेरिएबल ब्रांड बनाते हैं, लाइक वॉच है हमारा, हम ईयरबड्स बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे इसका नॉलेज है, चलो एक चड्डी भी एक नया ब्रांड वेरिएबल हमारे साथ जुड़ रहा है, हम इससे भी बनाएंगे। तो फिर डील हो गया डन, उसके बाद उस ब्रांड को मिल गया इन्वेस्टमेंट। अगर बात करूं फ्यूचर में सस्टेन करने बारे में, तो कर सकता है फ्यूचर में सस्टेन, बिकॉज इनका टारगेट ऑडियंस एक साइज कम है, टारगेट ऑडियंस का साइज यानी 18 से 24, और जो अदर ब्रांड्स है बड़ी बड़ी वो पुराने टाइम के ही चीजों पे काम कर रहे हैं और उनका मार्केट में जो साइज है ऑडियंस का वो सभी है, ओल्ड एज भी हैं और यंग एज भी हैं, और लेकिन वेरिएंट कम है। और इस लड़के का है ये सिर्फ टारगेट टीन एजर्स करते हैं, ओल्ड एजर्स को नहीं करते हैं, तो हो सकता है इनका ब्रांड सस्टेन करे मार्केट में। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।